ओम मनोजवम मारुदुल्लवेगम जितेन्द्रयम् बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूत मुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। चार तारीख के ग्रहों की गणना विशेष तौर पर समझ लें कि जो सावन के पुरुषोत्तम मास के अंदर जो तिथि चल रही है वो तृतीया तिथि है, कृष्ण पक्ष की शुक्रवार का अवसर है। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो प्रभाव उत्पन्न करने का योग दे रही हैं वो विशेष तौर पर आज गणेश चतुर्थी है, मासिक तौर पर गणेश चतुर्थी है। और भद्रा भी विद्यमान रहेगी दोपहर को 12:45 तक। तो ऐसे में सुबह का समय आपको ध्यान रखना है, कोई नया कार्य नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना है। 12:45 के बाद ही नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा इसमें कोई ना कोई विघ्न आने के योग बन सकते हैं। कोई नया कागज कराने हैं, कोई डील करनी है कुछ, तो 12:45 तक का समय अवॉइड करके उसके बाद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं। मन में थोड़ी एंजाइटी परेशान कर सकती है, थोड़ा बैलेंस होकर काम करिएगा, अन्यथा कुछ झगड़े से बचने का प्रयास करें। किसी और के झगड़े में खुद को ना फंसाइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में जाकर थोड़ा विशेष तौर पर ज्वार इत्यादि, मक्का इत्यादि गाय को डाल दीजिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात करें तो 5 अगस्त की ग्रह गणना दिखाती है शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन विशेष तौर पर सूर्योदय से पहले ही होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने वाला है। आपके क्षेत्र से बाहर जाकर जो आपको कार्य करने का मन कर सकता है, बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ सहयोग प्रदान करने के योग बन सकते हैं। विचारों में कुछ नया नवीन परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं। ये चंद्रमा का परिवर्तन मीन में जो हुआ है ये विशेष तौर पे आपके पंचम भाव में हो रहा है, बुद्धि वाले भाव में हो रहा है। ये दिखा रहा है बृहस्पति के सन्निकट जा रहे हैं चंद्रमा, और ये आपके लिए आमदनी के हिसाब से भी अच्छा योग बनाने के अवसर आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, शनिवार का अवसर है। काली उड़द साबुत उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि को मनाना अच्छा रहेगा। और इस वक्त सावन का महीना चल रहा है, किसी मंदिर में जाकर थोड़े तिल को लेकर जल में डालकर भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, महामृत्युंजय का पाठ करते हुए आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक है। शास्त्र कहता है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही हम बात कर लेते हैं 6 अगस्त की। 6 अगस्त की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर और उस दिन उदय तिथि के रूप में पंचमी, लेकिन षष्ठी तिथि अस्त हो गई, क्षय हो गई है। और 6 तिथि विशेष तौर पर रहती है थोड़ी सी कष्टकारी, इस बात का ध्यान रखने। और साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान हो गया है, रेवती नक्षत्र विद्यमान है। जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनको थोड़ा सा मूल शांति की तरफ जाना चाहिए, उनके माँ बाप को उनके घर वालों को विशेष तौर पर ऐसे जातकों की मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 2 दिन विशेष तौर पर हम बात करें, 6 और 7 तारीख को गणमूल नक्षत्र रहेगा रेवती और अश्विनी नक्षत्र, दोनों दिनों में जो जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएं उनके माता पिता, इससे कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त करेगा, अन्यथा परिवार के लिए वो जातक भारी होता है। अब ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए अच्छी बनी हुई है, और हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं रविवार की 6 तारीख की, तो आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए, कुछ नई खरीद फरोख्त बड़े रूप में करने से प्रयास से रुकना चाहिए, क्योंकि क्षय तिथि है और क्षय तिथि में विशेष तौर पर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बात कर लें 7 तारीख की, तो 7 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर सोमवार का अवसर, सावन का महीना चल रहा है उसमें अधिक मास आ गया है, और उसमें सावन का अधिक मास का सोमवार आ गया है, और ये सोमवार कृष्ण पक्ष का यानी 3रा सोमवार है अधिक मास का, तो ये बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे में भगवान शिव की उपासना करें। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो शुक्र हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वक्र अवस्था में अस्त स्थिति में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, कर्क राशि में पुनः वापस आ रहे हैं, और ये ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर थोड़ा सा महंगाई की तरफ दिखाता है, थोड़ा धन के नुकसान की तरफ दिखाता है, तो ऐसे में सावधान होते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, मकान में घर में कुछ नया सामान आने के योग दिखाई देते हैं और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर यदि हम समझें, एक चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, वैसे तो धन आगमन के योग सूचना देता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए भगवान का दूत के साथ, भगवान शंकर का दूत के साथ अभिषेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है।
रात को 1:43 पर यह परिवर्तन हो चुका है चंद्रमा का, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग दिखाता है। तो सावधान होते हुए कार्य करें, गाड़ी चलाते वक्त सावधान रखें, और कोई भी सड़क पार करते हुए कोई बेकार के जुर्माने, कोई बेकार की परेशानी, टेंशन भी बढ़ने के योग दिखाई दे। धन तो आता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ कष्ट और कुछ द्वंद भी साथ में लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। एक बात का और ध्यान रखना है, सोमवार का अवसर है और ऐसे में भद्रा विद्यमान है करीब करीब शाम को 6:41 तक। तो फिर आपको हम वही एडवाइस करेंगे कि विशेष तौर पर नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स, नए कुछ भी कार्य करने से थोड़ा सा इस समय को बचाने का प्रयास करें। सुबह से लेकर शाम के करीब करीब 4:41 तक का समय ये थोड़ा सा नए कार्य करने में विघ्न उत्पन्न करने के योग दिखाई देता है। वहीं 8 अगस्त की हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी है उस दिन। कालाष्टमी भगवान शंकर की उपासना करने के लिए, दुर्गा जी की उपासना करने के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, और मंगलवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग, थोड़ा सा धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। तो बैलेंस होकर चलना आपको चाहिए, आ तो जाए लेकिन जाए ना, इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो लीकेज आप बंद कर सकते हैं, हमें दिखाई देता है अच्छी तरीके से, क्योंकि बाकी ग्रह आपके लिए अच्छी सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं, सुख को उदय करने के योग बना रहे हैं। तो इसलिए जिद में ना अड़े, बैलेंस से समझते हुए, शांति रखते हुए कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे मंगलवार का अवसर। और ऐसे में हनुमान जी को भी थोड़ा प्रसन्न कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका लिए थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़ा उनके समक्ष मीठे का भोग लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से सावन के महीने में चलते हुए रुद्राभिषेक और सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है। जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आप बहुत अच्छे से भगवान का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और साथ साथ उनके सुंदरकांड में भी भाग ले सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। बड़ा भंडारा रहेगा उस दिन शाम को। विशेष तौर पर 8 अगस्त की बात करें तो शाम को भगवान की प्रसन्नता के निमित्त कल्याणकारी योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन बुधवार का अवसर है और नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन होने का योग दिखाई दे रहा है, ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा और साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने के योग बना सकते। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस बुधवार के दिन। एक पुरानी कहावत है, बुद्ध सब शुद्ध, तो इसलिए इस समय को आपको सही से यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नए कार्य, नए सौदे आपके निमित्त, व्यवसायिक कुछ इम्प्रूवमेंट करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बात की समस्या दिखाई देती है, आप कहीं अकेले ना पड़ जाएं। देखिए थोड़ा सा अपने जवान में थोड़े शब्दों पर थोड़ा चयन करते हुए ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं दोस्त मित्र इत्यादि जो है वो आपको साइडलाइन करके आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए कोई बात आपकी उनको खटक ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सत्य बोले, बिल्कुल सत्य बोले, लेकिन कड़वा ना बोले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए तो आपके लिए उचित रहेगा। आपको ऐसे समय में हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, पालक का दान करना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। वहीं 10 तारीख के लिए हम बात करें तो 10 अगस्त के लिए बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और साथ साथ व्यावसायिक चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं। जीवन साथी का साथ आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप मंगल का उपाय करने का प्रयास करें। चंद्रमा से मंगल चतुर्थ हो गए हैं और ये आपके लिए थोड़ा कष्ट का अनुभव कराने के योग बना सकते हैं। आप के साथ ऐसा दिखाई देता है कि लोग आपको मिसयूटिलाइज कर सकते हैं, लोग अपने कार्य कराने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको चापलूसों से बचने का प्रयास करना है। जो लोग चापलूस होते हैं, आपकी छोटी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पतिवार का दिन है, थोड़ा सा केले का पूजन कर लें, आपके लिए कल्याणकारी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र अस्त अवस्था में वक्र गति से चलते हुए ग्रह राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि का परिवर्तन जो है वो कई प्रकार के भावों में, जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट के बिजनेस करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर सावधानी भरा रहेगा और आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर तो प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चांदी के भाव, रुई के भाव, कपास के भाव और साथ साथ हम बात करें बारदाने इत्यादि के भाव में कुछ ऊपर नीचे भयानक स्थिति होने के योग दिखाई देते हैं। शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों को थोड़ा तेजी मंदी का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जाकर व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने मैसेज को भेज सकते हैं। हम तुरंत बहुत जल्दी उन प्रश्नों का समाधान आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।